मुरादाबाद शहर के दिल्ली रोड स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल क्रिकेट एकेडमी में 5 अप्रैल से चल रहे मिनी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हो गया। टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के साथ अन्य प्रदेशों की 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। टूर्नामेंट में 30 ओवर के मैच में सभी युवा खिलाड़ियों की प्रस्तुति देखने लायक थी। फाइनल मैच रुकमणी क्रिकेट एकेडमी एवं स्प्रिंगफील्ड क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए रुकमणी क्रिकेट एकेडमी ने 90 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्प्रिंगफील्ड की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया और सभी खिलाड़ियों में खुशी देखी गई। समापन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया के साथ मॉडर्न पब्लिक स्कूल के निदेशक सऊद आलम, स्कॉलर्स ट्रेन के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने सभी विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और सभी ने अपने संबोधन में कहा कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए बहुत टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, जूनियर खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं बहुत कम होती हैं। ऐसे में यह टूर्नामेंट जूनियर खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर साबित हुआ है। इतना अच्छा आयोजन, मैं अभी पूछ रहा था आपसे कि स्कूल्स का है का स्कूल्स का नहीं, अभी एकेडमीज का है। एकेडमी जो पढ़ने के लिए ही जानी जाती है, लेकिन साथ में अगर उनके साथ आप स्पोर्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करके चल रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी और ब्रेन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। हमको टोटलिटी में डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि अच्छे ब्रेन के लिए अच्छी बॉडी बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ते रहना एक मोनोटोनस होता है कई बार, तो उसके साथ अगर हम लोग गेम्स को या स्पोर्ट्स को साथ में ऐड करते हैं तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ जाती है। और ये इस तरह का जो आयोजन आप लोगों ने रखा है, यहाँ पहली बार ही आप लोग के बीच में आना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं दानिश जी को बधाई दूंगा एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए मिनी आईपीएल के नाम से। मुझे लगता है इसके लिए बहुत जज्बा चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। और नवेद भाई भी हैं यहाँ पे, CPL अभी कराने वाले हैं। मुझे लगता है ये इन सब लोग और ख़ास के ये जो बच्चे हैं जिन्होंने आज कमाल का क्रिकेट खेला, मैं देख रहा था, इन सब के गुरु और मुरादाबाद से ऐसे कई सितारे प्रोड्यूस करने वाले कोच बद्रुद्दीन जी, सभी के लिए मैं चाहता हूँ। बदर भाई, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब इंजीनियर्स या डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता हूँ, इस बार भी पूरे यूपी में पहली रैंक हमारे यहाँ से आई, ऑल इंडिया रैंक 89 भी है पूरे कंट्री में। मैं उन तमाम अचीवमेंट्स को आपकी अचीवमेंट के सामने बहुत छोटा मानता हूँ। मैं बताऊँ क्यों, आप समझिए उसका लॉजिक क्या है। और ये बच्चे आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है आपके ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर होता है साथ में, इसके साथ आप लोग अपने फिटनेस टाइम टेबल्स, सुबह उठना, कई लोग आपके सुबह दौड़ने जाते होंगे 5-6 किलोमीटर, क्योंकि क्रिकेट के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। आपको पता है ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत टफ है। मैं देखता हूँ साल में पूरे इंडिया में तकरीबन 10,000-12,000 बच्चे हैं जो IIT चले जाते हैं, उनका पूरा सोसाइटी में नाम होता है, मोहल्लाज मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉय बन जाते हैं तुरंत। IAS भी साल में आप समझिए UPSC के एग्जाम में 1,000-1,500 बच्चे निकलते हैं, तो तमाम आप देखते हैं अखबार में इंटरव्यू आता है, फोटो आता है। मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट आप लोग इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि पूरे साल में अगर हम देखें देश भर से जो बच्चे क्रिकेट में बहुत अच्छा कर पाएंगे और उस लेवल पहुंच जाएंगे, वो संख्या मुझे लगता है शायद 50 से 60 की है। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि ये काम जो है काफी ज्यादा टफ है, यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। इतने टैलेंटेड बच्चों के बीच में जिस तरीके से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और गिवअप नहीं करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, उसी का नतीजा है कि बहुत प्राउडली जब मैं धर्मशाला के मैच में पहुंचा था, इंडिया न्यूजीलैंड का चल रहा था वर्ल्ड कप का, तो जैसे ही मैं एंट्री करी तुरंत मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड किया न्यूजीलैंड को, ओपनर को, तो बड़े प्राउडली हम लोग 3-4 लोग वहां चिल्लाए, मुरादाबाद एक्सप्रेस, जोया एक्सप्रेस। ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिन्होंने इतना बड़ा एक टूर्नामेंट बहुत अच्छे लेवल पे किया है, क्योंकि मैं भी कुछ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत होती है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में। मंच पर आसीन SP सिटी साहब, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के निदेशक साहब, स्कॉलर्स डांस के निदेशक और जितने भी इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन लोगों ने ये एक बहुत ही अच्छा
एक प्रयास दानिश मिर्जा के माध्यम से किया है, जो अंडर 14 के बच्चे एक ऐसे बच्चे हैं जिनको सबसे कम क्रिकेट खेलने को मिलता है, क्योंकि पहले शुरुआत में पेरेंट्स कहते हैं अभी बहुत छोटे हो, उसके बाद टीचर्स कहते हैं पहले पढ़ाई कर लो, और फिर उसके बाद उनकी एज 14 के बाद ऊपर हो जाती है तो उनका क्रिकेट जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो मैं दानिश मिर्ज़ा को और सभी लोगों को तहे दिल से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्रिकेट एकेडमी के संचालक मिर्जा दानिश आलम के प्रयासों से यह टूर्नामेंट आज संपन्न हुआ। भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताएं और भी आयोजित की जाएं, जिससे खेलों के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। फाइनल मैच की एम्पायरिंग सत्येंद्र कुमार शमशाद दलवी द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन मॉडर्न पब्लिक स्कूल की शिक्षिका आरिशा द्वारा किया गया। वहीं मिर्जा दानिश आलम ने बताया कि आज यह टूर्नामेंट संपन्न हुआ है, जिसमें सभी हमारे प्रायोजकों का भरपूर योगदान रहा। भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताएं और भी आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर वरिष्ठ क्रिकेट कोच मोहम्मद बदरुद्दीन सिद्दीकी, नवाज हाशमी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर ईशा मिर्जा, मोहम्मद नासिर, मोबिन मलिक, मोहम्मद शरीफ, रोहित कुमार, राकेश कुमार, वरिष्ठ क्रिकेटर जेपी सिंह, विपुल चौधरी, प्रियांशु जोशी, अंशुल गुप्ता, शुभम यादव, स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर सुशील कुमार, प्रधानाचार्य शकील अहमद एवं भारी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। सिटी चैनल से बात करते हुए टूर्नामेंट के आयोजक मिर्जा दानिश आलम ने बताया कि यह टूर्नामेंट का आज समापन किया गया है, जिसमें विजेता और उप विजेता को नकद धनराशि देने के साथ उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। बताओ क्या रहा प्रोडक्ट? ये मैंने मिनी IPL सीजन 1 कराया था, 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश से 16 टीमों और उत्तराखंड मिलाकर 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें हमारी दोनों ही लोकल की टीमें ही फाइनलिस्ट रही, जिसमें रुक्मणी इसमें हारा और चैंपियन हुआ इसमें स्प्रिंगफील्ड। क्या रहा विजेता हुआ, क्या क्या पुरस्कार? हमने इसमें मैन ऑफ द सीरीज को 11,000, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर सबको 5,551 रुपए उनको नकद पुरस्कार हमने दिए। क्या रहा पूरे टूर्नामेंट का? पूरे टूर्नामेंट में जो मेरा टारगेट था कि सारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मिले और एक IPL जैसा फील आए, तो और छोटे शहर में ऐसा टूर्नामेंट कराया तो जिसका व्यूज भी करीब 2-2.5 लाख व्यूज गए, तो मेरे हिसाब से ये बड़ी गर्व की बात है पूरी कमेटी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और इस लेवल पे जब बच्चों को खेलने को मिलता है और इतना उत्साहित होते हैं तो वो देखने में बड़ा मजा आता है, और वो अनुभव सारे बच्चों ने लिया और उसका जो हमें जो उसका अनुभव प्राप्त हो वो लाजवाब रहा।